कभी आपने मिट्टी का घड़ा देखा है? एक कुम्हार इस पात्र को बड़ी यातना से, बड़ी सावधानी से गढ़ता है। वो इसे अग्नि में तपाता है और इस योग्य बनाता है कि भीषण ताप में यह प्यासों की प्यास बुझा सके। और इस घड़े का आरंभ होता है जल से। यदि जल ना हो तो इसकी माटी को गोथा ना जा सकेगा और ना ही इसे चाक पर आकार दिया जा सकेगा। और इसका अंतिम लक्ष्य भी जल ही है, क्योंकि इसको अपने भीतर जल को संचित करके रखना है। परंतु आरंभ और लक्ष्य के मध्य इसे कठिन तपस्या से होकर जाना होता है। इसे ताप सहना होता है, रात भर अलाव में पकता है। और यही समस्या मनुष्य के साथ भी होती है। यदि उसे अपने जीवन में लक्ष्य को पाना है तो उसे दुखों का, कठिनाइयों का और बाधाओं का ताप सहना होगा, क्योंकि बिना जला हुआ घट या बिना तपा हुआ घड़ा जल का संचय नहीं कर सकता।